सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजने द व्लॉग्स। तो अभी आज पता नहीं मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कल वाली, क्योंकि आज मुझे नींद सी आ रही थी। जैसे कल मुझे सैरी के टाइम तक नींद ही नहीं आ रही थी, आज मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उठा था क्योंकि फिर मम्मा सैरी नहीं करती, बस पानी पी के सो जाती हैं। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हो, पौने पाँच हो रहा है, पौने छः तक सैरी का टाइम है। तो चलो चलते हैं। और आज मम्मा के लिए बना लूँ, कल आलू का पराठा बनाया था, उससे पहले 2 दिन मैंने बनाया था अंडा पराठा। अंडा पराठा तो मम्मा ने इसलिए मना, मम्मा ने बोला सादा पराठा बनाने को, रात को मैंने पूछा था, लेकिन मैं सादा पराठा नहीं बनाऊंगी क्योंकि रात को कोई सब्जी नहीं बनी। रात को आप लोगों को पता है चिकन पुलाव बने थे, तो कोई सब्जी तो है नहीं, और अंडा मम्मा ना करती हैं, तो मैं बना रहा हूँ। मुझे फ्रिज में रखा हुआ मिल गया पनीर, तो मैं सोचा मैं बना लूँ पनीर के पराठा, तो चलो बना। तो ये मैंने पनीर की फिलिंग रेडी कर ली है, और बिल्कुल आधी, ये देखो आधी प्याज मैंने डाली होगी, जो छोटी सी प्याज होती है उसकी आधी प्याज डाली है, क्योंकि सिर्फ एक पराठा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कल भी एक ही पराठा खाया था। इस चक्कर में मैंने पनीर लिया, उसमें सिर्फ प्याज डाली और नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, बस और कुछ भी नहीं डाला। सिंपल सी फिलिंग रेडी करी है, तो चलो बना लेते हैं अम्मा का एक पराठा, क्योंकि अम्मा एक ही खाती है। ये देखो बन गया पराठा। बन गया अम्मा। ओ मम्मा सैरी, मम्मा पूछ रही है ये किस चीज का पराठा है, ये आप खा के बताओ किस चीज का पराठा है। लो तो मम्मा से चल के पूछते हैं कैसा बना है। मम्मा कैसा बना है? हैं? अच्छा बना। पक्का? एक और चाहिए? देखो मम्मा गुस्सा, इसी वजह से मैंने एक ही बनाया था सिर्फ। तो मम्मा बोल रही है कि बस 2 घूंट चाय पीनी है, बिल्कुल 2 घूंट। तो वो मैं फटाफट चाय बना रहा हूँ, तो दे दो मम्मा को। मम्मा का पराठा बहुत अच्छा लगा, मैंने मुझे भी टेस्ट करा, मुझे भी अच्छा लगा। और मेरे अंदर मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरे को आलू आलू गोभी मूली पनीर कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का पराठा हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं कभी नहीं खाता। बना देता हूँ, खाता कभी नहीं। तो चलो चाय बन रही है, इधर इधर दूध भी गर्म हो गया, मम्मा को सैरी में पीना। तो मम्मा की चाय और दूध दोनों बन गया। लो मम्मा सर पे हाथ ऐसे रख रही है, पता नहीं मैंने क्या ही दे दिया मम्मा को। ये मैं सोचू चाय मांगी तो ये दूध नहीं पीना पड़ेगा, दोनों पीना पड़ेगा। वो पियो फिर ये पीना, यहाँ रख लो। तो मेरे को मम्मा ने जबरदस्ती बोला कि ये दूध बिस्किट खाने को, मैं पराठा बोल रही थी, सब बोल रहे थे, मैंने सब मना कर दिया। फिर जबरदस्ती मम्मा ने डांटा, खाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सुबह हो गई, 5:30 बज गए, खाना खाना आया था, खाना खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। चलो खा लेते हैं। क्लिप थी मेरी ब्रश करने की, तो मेरी अब सुबह हो गई है। अगर एक और चीज़ बता दें कि अब मेरे चैनल पे 9 बजे ब्लॉग आ जाया करेगा, क्योंकि मतलब मैंने रात को ब्लॉग एडिट कर दिया, तो अभी उठते ही ब्रश वगैरह करते ही मैंने थंबनेल रेडी करके उसे मैंने अपलोड कर दिया, वो 9 बजे चैनल पे आ जाएगा। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग एक ही टाइम पे आए, जो 9 बजे रात के 9 बजे। तो अभी मैं लंच कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट तो सुबह हो गया था, देखा होगा आपने ब्लॉग में दूध बिस्किट खाया था, तो वो हो गया था ब्रेकफास्ट, अब डायरेक्ट लंच। तो चलो स्टे ट्यून्ड, आगे जो भी करते हो दिखाते हो आप लोगों को। फिर लंच वगैरह करके मैं थोड़ी देर आ गया था नीचे मम्मी के पास, तो ये बैठी मम्मी और ये मैं, मतलब मम्मी मतलब मेरी दादी, तो हम लोग दादी को मम्मी बोलते हैं। तो ये देखो मम्मी मम्मा और मैं देख रहे हैं टीवी बड़े गौर से। तो फिर से हो चुका इफ्तारी का टाइम, और बज गए हैं वो देखो 6:10 बचे हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं फ्रेंच फ्राइज थोड़े से, और ये देखो ये फ्रेंच फ्राइज ले लिए ये वाले, और ये पोटैटो बाइट्स। तो आज यही सब इफ्तारी में, और यहाँ इसमें आलू बॉईल हो रहे हैं, उसके मम्मा कुछ मेथी वाले आलू बोल रही हैं बनाने को। तो ये मैंने ले ली स्माइलीज, और इसमें नीचे वो है पोटैटो बाइट्स, और ये फ्रेंच फ्राइज। तो मैंने इसे ना थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही रख दिए, क्योंकि इसमें
बहुत गर्म बर्फ हो रही है और ऐसे गर्म गर्म तेल में डाल रहा था वो फटफट फटफट ऐसे एकदम फूटने लगता है तेल, तो इस वजह से मैं 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँ और इसकी बर्फ पिघल गया। ये सब रख देते हैं वापस फ्रिज में। आलू छील रही है जो आलू बॉईल कर रहा है। मम्मा ने मेरी बेइज्जती कर दी। मम्मा भी वैसे बोल रही कि सुबह भी अंडे का पराठा दिया और अब भी अंडा उबाल दिया मैंने, तो मैंने अम्मा से बोला 3 दिन से मैंने अंडा तो इसलिए सैरी में दिया ही नहीं, और मम्मा आपको क्या लगा पराठा किस चीज का है? अंडे का। मम्मा को मैंने सुबह मम्मा ने खाया, मम्मा ने पूछा किस चीज का, मैंने कहा खा के बताओ, मम्मा ने खा लिया और वो पनीर का पराठा था। अंडा देखते ही मम्मा को गुस्सा चढ़ गया कि सुबह भी अंडा का पराठा, स्टैंड वो बुला अंडा। मम्मा ये हो गया, ये बन गया, और उधर मम्मा एक रोटी और ये बनाई है मेथी वाले आलू। चटनी मम्मा ये मिल गई है, चटनी पकड़ो दिन चिल्ली चिकन वाली, ये सॉस चटनी। रोजा खुल चुका, टाइम देखो, इफ्तारी के बाद की मम्मा की चाय। मम्मा तो सो गई, चाय रखती, मम्मा सो रही है। नहीं अरे कुम्मा कुछ नहीं होता है मम्मा। नहीं हाँ नहीं नहीं क्या हो गया? नहीं। तो मम्मा को ये भी दिक्कत है कि सब लोग बोलते हैं हाँ ये देखा तंदूरी रोटी बनाई, ये बना वो बनाया, सब देखते हो तो अच्छी बात है ना, देख रहे हैं। तू अपना काम कर बस, मेरा काम, मेरे को मत बीच में लाया कर, मार मार दूंगी मैं। ये देखो मम्मा क्या खा रही है, मैंने चाय बना के दी थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया ना, तो मम्मा खा रही है ये क्या मुरमुरे जो होते हैं ये चाय में डाल के। ये देखो अच्छा लगता है मम्मा है, मुझे भी खिलाओ थोड़ा सा देना, एकदम थोड़ा सा। अरे मैं पता नहीं कैसा हो, पहले थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, एक तो चाय भी फीकी है। हम लोग क्या ऐसे अगर कहीं पार्टी में जाना होता है तो ऐसे पहले कपड़े साफ करने पड़ते हैं, ब्लैक पहनो तो अभी क्यों बिना कपड़ों के खड़े हैं। अरे ब्लैक टी शर्ट पहननी है तो लगे पड़े हैं साफ करने, क्योंकि बिल्ली के बाल खूब खूब चिपकते हैं हमारे यहाँ ब्लैक कपड़ों में। बिग भी तैयार हो गए, इधर तो सीधे देख लो, भी तैयार हो गए पार्टी में जाने के लिए। देखो बिग भी और बस करे क्या है, नहा के कपड़े पहन लिए, बाल सही कर लिए, 5 मिनट में तैयार जा रहे हैं। मम्मा और मैं घर में अकेले बोर होंगे, बोर। मम्मा जी नहीं, मैं बोर नहीं होंगी, मुझे काम करना है। क्या काम करना है, रात हो गई 9 बज गई, क्या काम करना है? वो तेरा बाप कपड़े तय करेगा। पापा तो घर में ही नहीं है, चलो मैं करा देता हूँ, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। करूंगा, बिग भी गए, पापा है नहीं, अकेले मम्मा और मैं हैं बस। अभी मैं सोचा व्लॉग में दिखाता हूँ बिग भी जब कहीं ऐसे पार्टी वार्टी में जाते हैं तैयार होते हैं तो घर का क्या हाल करते हैं, अभी दिखाता हूँ। ये देखो एक बेल्ट एक टी शर्ट यहाँ फेंक दी, ये इसका वो सब वहां फेंका, वाह वाह, और ये देखो। अब समेटता हूँ। हूर आज पूरे दिन व्लॉग में तू नहीं आई, ये क्या है तेरे मुंह में, धागा खा रही है गंदी धागा, छी 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 गंदी। ये पकड़। तो मुझे ना सुबह से बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा था कि हाँ मेरा आज कुछ व्लॉग अच्छा नहीं बना, मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरे व्लॉग में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो बस मैंने मम्मा से बोला चलो कहीं बाहर भी चलते, तो लेकिन मम्मा का रोजा था, तो रोजा खोलने के बाद थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, इस वजह से मम्मा ने कहा नहीं है मेरा मूड नहीं है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, मेरी उससे बात हुई, जैनब है, तो मेरी उससे बात हुई, तो वो मेरे से यही बोल रही, तो हमारी ना पहले शुरू में ऐसे बात हो रही कि हाँ
तू कॉल नहीं करती, तू कॉल नहीं करती, वो कह रही तुझे कभी याद आ जाती है, पहले नॉर्मली ऐसे मजाक चल रहा। तो उसने मेरे से बोला तेरी सारी अपडेट हमें तेरे ब्लॉग से मिल जाती है, हम तेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, ऐसे सब लोग बोलते हैं कि जैसे कोई मिलता है, कोई भी मिलता है तो बोलते हैं हाँ ब्लॉग देखते हैं, सारी अपडेट मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग देखते हो, थैंक यू सो मच सबको। और आज दिन में नहीं, शाम को ही पप्पा के एक फ्रेंड है देहरादून में रहते हैं राजेंद्र चाचा, उनका भी कॉल आया था बिग बी के फ़ोन पे, बिग बी छोड़ते तो मम्मा ने कॉल पिक करा, तो मम्मा ने बात करी तो वो ये बोल रहे अरे हमें तो सारी अपडेट मिलती रहती है, वो रोटी बनाई तंदूरी कुकर में ये वो, मतलब सारे ब्लॉग्स। तो वो देहरादून में रहता है तो वो भी वहाँ से सारे ब्लॉग्स देखते हैं मेरे। तो बस आप सबका थैंक यू सो मच। जैनब से मेरी बात हुई तो वो यही बोल रही कि उसके यहाँ टी वी पर ब्लॉग चलता है मेरा डेली, तो वो लोग पूरी फैमिली बैठ के मेरा ब्लॉग देखते हैं टी वी पर। और वो वही कह रही थी कि हम जब ब्लॉग देखते हैं तो मैं, वो ना मेरी क्लासमेट है, मतलब मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ क्लास में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी साथ में। तो वो अपने घर में अपने मम्मी पापा को सबको यही बता रही थी कि निदा ऐसी थी कि क्लास में जैसे टीचर लाइन वाइज रीडिंग कराती है कि एक एक पैरा जैसे लाइन वाइज पढ़वाती है, तो निदा की टर्न आती थी तो ये स्किप कर देती थी, ये नहीं पढ़ती थी, ये नेक्स्ट वाले को बोल दे तू पढ़ ले, कि मतलब ये रीडिंग करने में भी इतना, मतलब वो वही कह रही थी कि ये इतनी वैसी थी कि हर शाय फील करती थी, ज़्यादा वैसी नहीं थी। अब जैसे वो यही कह रही कि निदा को ग्राउंड में भी प्रेयर करने जाना नहीं होता था, मतलब उसे ये होता था नहीं जाना, कि मतलब मेरा ऐसा था स्कूल में इतना ज़्यादा ही किसी से फालतू बात ही नहीं करना, अपना बैठे रहना, अपने सीट पे जल्दी से क्लास के बाहर तक नहीं जाना। तो मेरा नेचर ऐसा था कि बहुत मतलब शर्माने वाला नेचर था। तो वो वही अपने घर में सबको बताती है कि ये वही निदा थी जो क्लास के सामने भी नहीं बोलती थी, और अब देखो ये यूट्यूब पे बोल रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। तो बस सबका थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे व्लॉग्स आप लोग शेयर भी कर दिया करो, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फैमिली वगैरह, फैमिली फ्रेंड्स सबको शेयर कर दिया करो, वो भी मेरे व्लॉग्स देखने लगे। बस देखते रहो ऐसे मेरे व्लॉग। मुझे आज का व्लॉग बड़ा बोरिंग सा लग रहा था, और जब ऐसे आज दो जनों से सुन लिया तो बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ क्योंकि आप लोग देखते हो। तो बस थैंक यू सो मच। तो ये देखो, यहाँ मैंने बैठे बैठे सारे जो कल कपड़े धुले थे, कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, वो सारे सारे तह कर लिए। और ये देखो हूर यहाँ आके बैठी, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, उस कमरे में बैठा था, उस कमरे में हूर मेरे साथ बेड पे बैठी थी। अब देखो मैं यहाँ वहां से उठ के आ गई, ये भी उठ के आ गई, देखो इसे। पापा शेक लेके आए हैं मेरे लिए, लग रहा है स्ट्रॉबेरी शेक क्योंकि ऊपर बहुत आइसक्रीम भरी हुई है, लेकिन पापा बता रहे हैं मिक्स फ्रूट शेक है। स्ट्रॉबेरी शेक लाया पर मैं कभी पीता नहीं स्ट्रॉबेरी शेक, चॉकलेट शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, लेकिन स्ट्रॉबेरी शेक भी अच्छा। पर कह रहे थे मिक्स फ्रूट है लेकिन स्ट्रॉबेरी है। तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया, बिग भी गए हैं पार्टी में, तो और बस पप्पा मम्मा और मैं, और मम्मा ने खाना बनाया रहे कि दाल चावल रोटी। तो मैं पप्पा से बोला पप्पा मुझे कुछ चिकन विकन खाना, तो पप्पा ने मेरे लिए एक फ्राई और एक अफगानी ऑर्डर कर दिया, और ये आ गया। और अभी 12 बजने वाले हैं, फिर भी तो खाना खा के आएंगे बस हम तीनों। चलो, और मैंने शाम से लेके अभी तक कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था। नीचे मम्मी के पास जाके, मतलब दादी, मैं दादी को मम्मी बोलता हूँ इस वजह, तो नीचे मम्मी के पास जाके मैं 2-3 घंटे बैठ गया, कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैंने खाना आज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, अभी क्या दिखाऊँ। तो चलो अभी खाना पलटता हूँ, निकालता हूँ प्लेट में। तो ये मंगवाया है अफगानी चिकन और ये फ्राई चिकन। तो चलो अंदर रख देता हूँ, फिर सारा खाना ले चलूँ, फिर आगे व्लॉग बनाता हूँ। देखो कैसे आके पैर पे खड़े हो, पैर पे हाथ रख के खड़ी है, मांग रही है। देख देख फिर आप करेगी। खाते नहीं ले, अब ले जा, अब दोनों तरफ तेरा मुंह लग गया। पकड़ ही नहीं रही। पकड़, हाँ ले जा, नीचे जा, यहां रख के पैर पे खाएगी। चलो मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद की पप्पा की चाय, जो पप्पा को चाहिए।
तो इधर मैं बाकी लोगों का व्लॉग देख रहा हूँ और इधर मम्मा मेरा व्लॉग, मम्मा भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं। उधर कंबल में है पप्पा, पूरा मुंह कंबल में डाले हुए हैं वो, और पप्पा भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मम्मा भी मेरा व्लॉग देख रही है, और मैं बाकी लोगों का व्लॉग देख के उन्हें फेमस कर रहा हूँ। देखो तो अभी मुझे, अभी 1 बज रहे हैं और अब मुझे मेरे व्लॉग एडिट करने का टाइम है, लेकिन मेरे को नींद आ रही है तो मैं कह रही सो जाओ, समझ नहीं आ रहा सोऊं व्लॉग एडिट करूं कि वैसे। हाँ सो जाऊं, सोता नहीं हुआ, लेकिन अब पता नहीं, अब वही डेली व्लॉगिंग शुरू करी तो पता है व्लॉग एडिट करना है तो नींद आ रही है। कोई नहीं सुबह हो जाएगा, सुबह पप्पा कह रहे हैं कोई नहीं सुबह हो जाएगा, लेकिन सुबह दोबारा नया व्लॉग शुरू करना है, देखता हूँ। अभी मम्मा कह रही है अभी सो जाओ, पप्पा भी कह रहे हैं सो जाओ, तो 2-3 घंटे में आँख खुल गई तो बता दूंगा। व्लॉग अभी एंड नहीं कर रहा, आगे देख लो जो भी। ये देखो 3 बजने वाले और बिग बी खाना खा रहे हैं, मम्मा खाना खिला रही है, क्योंकि बिग बी ने पार्टी में इतना डांस करा खाना खाना भूल गए, खाना नहीं खा के आए, तो घर आके बोल रहे मैंने खाना नहीं खाया, तो 3 बजे बिग का खाना हो रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया लास्ट क्लिप में, बिग बी अभी घर आए हैं, खाना वाना बिग बी ने भी खाया, मैंने कहा था बिग बी खाना खा के आएंगे, लेकिन बिग बी खाना नहीं खा के, मैंने ब्लॉग में पीछे बता दिया क्यों नहीं खा के। और बस उस टाइम मैंने कहा था मैं सोने जा रही हूँ, ब्लॉग एडिट नहीं करा जा रहा, नींद आ रही है, तो मैं 1:15 बजे मेरी आँख लगी, 1:30 बजे आँख खुल गई, 15 मिनट में मेरी नींद खुल गई, तो बस उसके बाद फिर लेटे रहा, फ़ोन चलाया, ये सब करा, दिल नहीं कर रहा था आज ब्लॉग एडिट करने का, लेकिन फिर भी अभी 3:15 ऐसी कुछ हो रहा है, मैं आ गया ब्लॉग एडिट करने, क्योंकि डालूंगा मैं ब्लॉग, रोज़ डालूंगा, इस वजह से मैं आ गया। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, लगता है मुझे ऐसा कि ये ब्लॉग बोरिंग है, बाकी आप लोग कमेंट में बताना बोरिंग है या नहीं, तो बस थैंक यू, मेरे हिसाब से ब्लॉग बोरिंग है, आपके हिसाब से आप कमेंट में बताना, तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल एंड, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।